हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टैक्स प्लानिंग विद रिगार्डिंग डिविडेंड पॉलिसी। यानी कि डिविडेंड पॉलिसी के रिगार्डिंग कंपनी जो है वो कैसे अपने टैक्स को मैनेज कर सकती हैं, कौन से टूल्स का यूज करके, कौन सी डिडक्शंस वगैरह का यूज करके, जो उन कंपनीज को जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड कंपनीज की अर्निंग्स का वो पार्ट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो इन्वेस्टर है वो डिविडेंड को वेरियस चैनल से अर्न कर सकता है। एक तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, दोनों में ही जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। जो स्टॉक्स में, फिर फर्दर की इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करके या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में, दोनों में डिविडेंड अर्न होते हैं। जो डिविडेंड है वो हमें पता है कि जो इन्वेस्टर के लिए जो डिविडेंड है वो टैक्स फ्री होता है। उसके ऊपर टैक्स जो है वो कंपनी पहले से कंपनी पे करती है टैक्स, जो जिसे हम DDT भी बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन कंपनीज को तो टैक्स पे करना पड़ता है डिविडेंड के लिए के ऊपर। तो कैसे कंपनी अपने उस टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकती है, हम डिस्कस करेंगे वो। जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि आउट ऑफ कैपिटल नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स हैं उसमें से ही कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। टैक्स लायबिलिटी क्या होती है डिविडेंड्स के लिए, कि जो कंपनीज हैं उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है अंडर सेक्शन 115(o). ये 15% टैक्स रेट से कंपनीज को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो डिविडेंड्स के ऊपर पे करना होता है। जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए वैसे तो जो डोमेस्टिक कंपनीज से जो उनको डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन अगर वो डिविडेंड 10 लाख से ज्यादा हो तो फिर वो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है, इंडिविजुअल को भी टैक्स देना पड़ता है उसके ऊपर 10% के रेट से। और ये अंडर सेक्शन 115(b)(b)(d)(a) के अंडर वो टैक्स इंडिविजुअल को भी पे करना पड़ता है। फिर उसमें से जो फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज को DDT पे नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर इंडिविजुअल को जो इंडियन रेजिडेंट है, यानी कि उस इंडिविजुअल को अगर फॉरेन कंपनीज से डिविडेंड मिलता है तो उसे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। यानी कि इंडिविजुअल को तो डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है तो नहीं देना पड़ता अगर 10 लाख तक का ही मिलता है तो, लेकिन फॉरेन कंपनी से चाहे कितना भी डिविडेंड मिलता हो इंडिविजुअल को वो पे करना पड़ता है, लेकिन फॉरेन कंपनीज को DDT पे नहीं करना पड़ता। जो ये तो था स्टॉक्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर इन्वेस्टर्स को जो है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ता डिविडेंड के ऊपर, चाहे 10 लाख से ज्यादा हो तब भी पे नहीं करना पड़ता म्यूचुअल फंड्स के केस में। वो सिर्फ स्टॉक्स के केस में अगर 10 लाख से ज्यादा है डोमेस्टिक कंपनी का तब उन्हें टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स को कोई टैक्स नहीं पे करना होता। और जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं उन्हें DDT पे करना होता है, और अलग अलग होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग रेट से डिविडेंड पे करना होता है, और जो डेट्स म्यूचुअल फंड्स हैं उनके ऊपर अलग रेट से डिविडेंड टैक्स पे करना होता है। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके ऊपर 10% DDT पे करना होता है म्यूचुअल फंड कंपनीज को, और जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उनके ऊपर 28.8% इंक्लूडिंग सरचार्ज और सेस जो है वो पे करना होता है। तो यानी कि डेट म्यूचुअल फंड पे 28% और इक्विटी म्यूचुअल फंड पे 10% म्यूचुअल फंड कंपनीज को डिविडेंड टैक्स पे करना होता है। फॉरेन कंपनीज को कोई डिविडेंड टैक्स पे करना नहीं होता, ना ही म्यूचुअल फंड्स पे और ना ही स्टॉक्स पे। जो टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू डिविडेंड इनकम क्या यूज कर सकती है कंपनी, ये दो टूल हैं इसमें कंपनीज के लिए डिविडेंड टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, कि एक तो कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू कर दे डिविडेंड को कैश में देने की बजाय, क्योंकि जो डिविड अगर कैश में डिविडेंड देगी तो उसके ऊपर DDT पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी जगह कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू किए जाते हैं तब उनके ऊपर कोई DDT नहीं लगता। हाँ, अगर
प्रेफरेंस शेयर्स के को जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके ऊपर उनके डिविडेंड की जगह पे अगर बोनस शेयर इशू करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी को फिर डीडीटी पे करना पड़ता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में कंपनीज बोनस शेयर इशू कर सकती है इन लियो ऑफ डिविडेंड इन कैश, ठीक है। और एक नेक्स्ट है डीम्ड डिविडेंड के थ्रू। डीम्ड डिविडेंड के थ्रू कैसे, डीम्ड डिविडेंड क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। डीम्ड डिविडेंड जो है वो अगर देखो कोई कंपनी जो पब्लिक का जिसमें इतना ज्यादा शेयर्स में पब्लिक का इतना पार्टिसिपेट नहीं है जिसके शेयर्स इक्विटी जिसकी शेयर कैपिटल में, तो ऐसी कंपनी अपने जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले जो शेयर होल्डर्स हैं या जिनके पास 10% से ज्यादा वोटिंग राइट है ऐसे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड की जगह पे लोन या एडवांस देती है जो कंपनीज, तो वो ये लोन या एडवांस फिर शेयर होल्डर्स को वापस रिटर्न भी करने होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें डीम्ड डिविडेंड माना जाता है ऐसे लोन्स और एडवांसेस को जो कंपनी अपने उन शेयर होल्डर्स को देती है जिनका वोटिंग राइट 10% से ज्यादा हो, तो वो डिविडेंड की जगह ही देती है और इसे डीम डिविडेंड भी माना जाता है। तो जो असेसमेंट ईयर 2018 था 1718 था उसमें उस तक डीम्ड डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब डीम्ड डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स पे करना होता है और इसके ऊपर टैक्स की रेट 30% है जो कि बहुत हाई है। तो इस हायर रेट के ऊपर डीम डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करना होता है। तो इस टैक्स लायबिलिटी से कैसे बचा जा सकता है, कोई भी कंपनी कैसे इस टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। देखो एक तो वो अपने शेयर होल्डर्स को ऐसा बोल ले कि वो एडवांसेज है जो उनको अवॉइड करे, यानी कि लोन्स या एडवांसेज ना दे के शेयर होल्डर्स को, बल्कि उन्हें कोई और बेनिफिट्स दे दे। तो लोन्स और एडवांसेज नहीं देगी तो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, तो ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी। या फिर शेयर होल्डर्स अगर अपना वोटिंग शेयर 10% से कम कर लें जिस टाइम पे उन्हें एडवांस या लोन दिया जाता है उस टाइम पे वो अपना वोटिंग शेयर अगर 10% से रिड्यूस कर ले बाद में फिर वापस इंक्रीज कर ले, तो ऐसे भी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि फिर वो डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और थर्ड क्या कर सकते हैं कि अगर बाय चांस जो लोन से एडवांसेस ले लिए हैं शेयर होल्डर्स ने, शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, लेकिन वो डीम डिविडेंड कब बनते हैं जब वो लोन्स और एडवांसेस वो शेयर होल्डर रीपे कर देता है। तो शेयर होल्डर्स ये कर सकते हैं कि वो उस लोन के अमाउंट को रीपे ना करें और जो फ्यूचर में जो डिविडेंड उनको डिविडेंड जो अर्न होगा फिर बाद में उसमें एडजस्ट कर ले वो अपने डिविडेंड को, फ्यूचर डिविडेंड में एडजस्ट कर ले अपने लोन की अमाउंट को रीपे ना करे। तो इससे भी जो डबल टैक्सेशन है, यानी कि एक तो अब लोन के टाइम पे जो डीम्ड डिविडेंड की तरह जो डीम्ड डिविडेंड जो लोन दिया गया उसके ऊपर टैक्स लगेगा, फिर बाद में फ्यूचर में डिविडेंड रिसीव होगा तब उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, तो डबल टैक्सेशन हो गया ना ऐसे। तो इसको भी अवॉइड किया जा सकता है अगर शेयर होल्डर्स वो ना ही ले, मतलब ले लिया है अगर, या तो अवॉइड करे लोन लेने को ही, और अगर लोन या एडवांसेस ले लिया तो उन्हें रीपे ना करे। तो ऐसे कंपनी जो है वो अपने डिविडेंड पॉलिसी के रिगार्डिंग टैक्स प्लानिंग कर सकती है। शेयर होल्डर्स का रोल है नहीं सबसे ज्यादा, बोनस शेयर्स में तो सबसे ही ज्यादा है क्योंकि बोनस शेयर के ऊपर अगर बोनस शेयर इशू करती है कंपनीज तो कंपनीज की तो टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन फिर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि फिर बोनस शेयर मिलने से उन्हें डिविडेंड उनके लिए टैक्स फ्री था लेकिन बोनस शेयर्स फिर नहीं होंगे उनके लिए टैक्स फ्री, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो जाएंगे, कैपिटल गेन में ऐड होगा फिर नहीं क्योंकि इनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो जीरो होते हैं और फिर उनको पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ता है बोनस शेयर्स के ऊपर। तो शेयर होल्डर्स के लिए टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन कंपनीज के लिए है ये टैक्स प्लानिंग का टूल कि कंपनीज अपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकती है इसके थ्रू। थैंक यू फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।